तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज एक छोटा सा अपडेट है, तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा अपडेट लेके आया हूँ। मैं अभी हूँ कटक में और ये है कटक का बादामबाड़ी बस स्टॉप, और ये एकदम खाली खाली लग रहा है। आज यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो जगह है यहाँ पे हर रोज़ डेली बस भरे रहते थे, लेकिन आज यहाँ पे पूरा एकदम खाली है। और खाली इसलिए है क्योंकि बस ड्राइवर एसोसिएशन ने, वो जो है बस ड्राइवर एसोसिएशन, वो लोग अभी चले गए हैं हड़ताल पर, स्ट्राइक पे चले गए हैं सब। उनकी कुछ डिमांड है, तो जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं होती वो लोग स्ट्राइक पे चले गए हैं। उनका मीटिंग भी चल रहा है, तो अभी पैसेंजर लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। जो भी उड़ीसा के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वगैरह को ट्रैवल करने वाले थे, तो उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। और ये कुछ जब बस लगे हैं यहाँ पे, ये सब जो है वेस्ट बंगाल की साइड जाएंगे, बालेश्वर जाएंगे, बालेश्वर वेस्ट बंगाल उस साइड के हैं, तो ये सब चल रहे हैं। लेकिन अदर पार्ट, उड़ीसा के अदर पार्ट में जो बस ट्रैवल की सुविधा थी अभी बंद है। तो देखिए, आपको अगर कोई कहीं पे भी ट्रैवल करना था कटक से या फिर उड़ीसा के कोई भी दूसरे पार्ट से अदर पार्ट को कनेक्ट करना था, तो अभी कुछ टाइम के लिए आपका जो है बस सर्विसेज बंद रहेगा, तो अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। आप ट्रेन का मदद ले सकते हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन बस की ट्रैवल जो है फिलहाल बंद है, कल शाम तक बंद रहेगी बोल रहे थे। मैंने यहाँ पे, इनका एक ऑफिस है, तो ये जो है इनका छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, कटक प्राइवेट बस ओनर एसोसिएशन, यहाँ पे मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने बोला कि अभी बंद रहेगा कल शाम तक। तो यहाँ पे मैंने पूछताछ की थी, तो इन्होंने बोला कि कल शाम तक यहाँ पे सारे बस ट्रैवल बंद रहेंगे। ये पूरा इलाका एकदम खाली है, सिर्फ बालेश्वर और वेस्ट बंगाल ही बस सर्विस कटक से चालू है और बाकी सब बंद है। तो आपको जो भी प्लान करना है अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा, और अपनों और अपनों का साथ और ख्याल दोनों रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।